हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ जो पिछला वीडियो हम लोगों ने आपको दिखाया था वो आप लोगों ने देखा होगा, और जो नोटिस के बारे में आपको बताया गया था उस पर आपने प्रैक्टिस की होगी और आपने सीख लिया होगा। इसी आशा के साथ में कि आपने उसे सीख लिया होगा, नोटिस का दूसरा जो किस्म है, जो दूसरे वेरियंट्स है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो पिछला जो हम लोगों ने किया था वो इवेंट के बारे में था। कोई भी इवेंट स्कूल का हो या कहीं का भी इवेंट हो, जैसे कि आपका एनुअल फंक्शन है, ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में सूचना देना हो, NSS कैंप के बारे में सूचना देना हो, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी के बारे में सूचना देना हो, तो उस फॉर्मेट से हम जाते हैं। और उसके लिए एक बहुत ही फिक्स सर्टेन लाइन मैंने आपको बताई थी, वो लाइन्स को आप फॉलो करते हुए और क्लोजिंग लाइन्स में आप उन नाम को लोगों का इन्वाइट करते हुए उसको बना सकते हो। लेकिन आज का जो नोटिस है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। इट्स टोटली पर्सनल नोटिस। पर्सनल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर मान लो कि मेरे स्कूल में हूँ या कहीं पे भी हूँ और मेरी कोई चीज़ खो जाती है या मेरी कोई चीज़ ऐसी कहीं पे गिर जाती है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, और वो बाद में अचानक ही मुझे लगता है कि यार यहाँ पर ये चीज़ खो गई मेरी या गिर गई है, तो मैं कैसे पता करूँ उसके बारे में, तो मैं क्या करूँगा। उसके लिए मेरे पास एक सीधा सा माध्यम है कि मैं एक सूचना लिखूँ और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के सूचना पट्टिका पे लगा दूँ, या कहीं बाहर मैंने अगर खो दिया है तो उसे अखबार में दे दूँ। तो जहाँ तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, तो एग्जामिनेशन में तो स्कूल के हिसाब से आता है कि हाँ आपकी कोई चीज़ स्कूल में खो गई है और उसको वापस रिकवर करना है, तो कैसे किया जाए। तो ये जो कैटेगरी आती है नोटिस की, उसे कहते हैं लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी। लॉस्ट का मतलब जो खो गया उसके लिए, या कई बार फाउंड, अगर कोई चीज़ आपको मिलती है तो आपको ये पता करना है कि इसका एक्चुअल ऑनर कौन है और उसे देने के लिए। तो दोनों में से कोई भी आता है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज मेरा फोकस होगा ओनली ऑन लॉस्ट। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक ए नोटिस फॉर द लॉस्ट थिंग। सपोज यू हैव लॉस्ट एनीथिंग इन द स्कूल प्रीमिसेस और एनीवेयर। तो चलिए आपके लिए एक प्रश्न मैं लिखता हूँ, उस प्रश्न को आप देखें कि कैसा प्रश्न आ सकता है एग्जामिनेशन में और फिर आपको क्या करना है। सो हियर वी आर। ऐसा कुछ प्रश्न आ सकता है कि आपका यहाँ पे ऐसा प्रश्न हो सकता है कि इमेजिन यू हैव लॉस्ट योर रिस्ट वॉच, इन द स्कूल लाइब्रेरी ड्यूरिंग इंटरवेल। Then there would be question for you, write a notice for your school notice board requesting finder to return it. So just see now, this is very simple question, you can understand. It is written like, कल्पना करो कि आपने खो दिया है आपका रिस्ट वॉच। कहाँ खोया आपने? स्कूल लाइब्रेरी में। और कब खोया है? ड्यूरिंग इंटरवेल। और आपके लिए प्रश्न तैयार करके दिया है कि आपको एक नोटिस लिखना है आपके स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए, और उसमें प्रार्थना करना है जिसे मिला है वो उसे लौटा दे। तो इसे कैसे बनाया जाए? सो इजी टू मेक दिस, जस्ट सी हियर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड हाउ आई एम टेलिंग द आंसर हाउ टू मेक द नोटिस। सो हियर वी आर। जो पहले लेआउट बताया गया था वही लेआउट फॉलो करना है। बहुत पर्सनल होने के बावजूद भी लेआउट बिल्कुल ऑफिशियल है, इनफॉर्मल होते हुए भी फॉर्मल है, क्योंकि वो जो सूचना है वो सूचना पट्टिका पे लगने जा रही है, और सूचना पट्टिका मतलब वो फॉर्मल हो जाता है।
इसलिए जो लेआउट है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन जो राइटिंग नेचर है वो बदल जाएगा। जो वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था वैसी लाइनें हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, वी हैव टू राइट इन ए पर्सनल वे। सो लेट अस सी व्हाट वी राइट। तो पहले जैसे स्कूल का नाम लिखा था वो स्कूल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, तो आप मैं कोई भी स्कूल का नाम ले सकता हूँ। जब नहीं दिया तो चलिए आप दिल्ली पब्लिक स्कूल का नाम ले लेते हैं। सो दिल्ली पब्लिक स्कूल पाली, चलो ये स्कूल का नाम है जहाँ पर आप पढ़ते हो ऐसा मान लो। उसके बिल्कुल सेंटर में आपको फिर लेना है यहाँ पे नोटिस, जैसा आपको बताया गया था पिछली बार भी वैसा का वैसा ही है। अब जहाँ तक सब्जेक्ट मैटर की बात है, यहाँ पे बहुत छोटा सा सब्जेक्ट बनेगा लॉस्ट, और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि एक सडन बर्स्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, अरे यार मेरी चीज खो गई है, तो ये लॉस्ट हो गया। लेकिन क्या इसको ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए एक के बजाय तीन बार लिख देते हैं, मतलब एक सेंटर में रहता ही है और लॉस्ट लॉस्ट और लॉस्ट। हिंदी में भी एक ऐसे पैटर्न है, खो गया खो गया खो गया। अब ये चीज़ खो गई है, अब मुझे इसके बारे में सूचना देनी है अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने स्कूल के अंदर। तो लैंग्वेज बहुत ही पर्सनल बनाना है, प्रश्न के हिसाब से भी देखा जाए, जहाँ पे यू था वहाँ पे आप आई ले लो सीधा ही। अच्छा, उससे पहले जो मैंने डेट का बताया था, आप राइट में भी लिख सकते हो या लेफ्ट में भी लिख सकते हो। चलो लेफ्ट में ही ले लेते हैं, जैसा कि आजकल लेफ्ट के ही तरफ ही चलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो कार्य है वो कंप्यूटर पे ही करते हैं, तो कंप्यूटर का जो कर्सर है वो लेफ्ट से ही मूव करता है, इसीलिए यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलो आज की डेट ले लेते हैं, मान लो 13 मई 2020, और इसके बाद यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही पर्सनल नेचर का लैंग्वेज है इसमें। जैसे देखो आप, आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है। चाहे तो इसको ऑफिशियल टाइप भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही पर्सनल टाइप में लिखेंगे। आई हैव लॉस्ट, क्या खोया है आपने वो लिख दो। तो आई हैव लॉस्ट माई रिस्ट वॉच। अब कहाँ खोया आपने, वो दिया हुआ ही था, इन द स्कूल लाइब्रेरी, तो वो मेंशन कर देंगे। और कब खोया है, ड्यूरिंग इंटरवेल, वो भी मेंशन कर सकते हैं। अब ये तो आपने जो चीज़ खो दी है उसके बारे में, लेकिन अब रिस्ट वॉच तो कई तरह की हो सकती है। क्या पता कैसी रिस्ट वॉच है आपकी, किसको पता है। इसलिए आपको उस रिस्ट वॉच का मेक, यानी किस कंपनी का है, किस कलर का है, थोड़ा मेंशन करना पड़ेगा, जिससे जिसको मिले उसको एकदम आभास हो जाए, ही कैन जस्ट कम टू नो कि वो आपका ही रिस्ट वॉच है जो उसे मिला है। तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन कैसे देना वो बता रहा हूँ। इट इज़ जो भी कलर है, मान लो इट इज़ ब्लैक, काले रंग का है, विथ ब्लैक स्ट्रिप, पट्टा जो लगा हुआ है वो भी काला है। ब्रांड क्या है, फास्ट ट्रैक है, ओके फास्ट ट्रैक, ये हो गया। जैसे मैंने वॉच पहन रखी है, ये वैसे ही है, ब्लैक कलर है और फास्ट ट्रैक की है, तो बस मैंने मान लो कि ये खो दिया था और मैंने ये बना दिया है। अब करना क्या रह गया, रिक्वेस्ट करना है जिसे मिला हो। तो एक लाइन बहुत ही सेट लाइन है, ये लाइन बिल्कुल सेट लाइन है, कोई भी चीज़ खो जाती है और जब हमें रिक्वेस्ट करना है किसी जिसको मिला है कि वो लौटा दे, तो ये लाइन बिल्कुल फिक्स लाइन टाइप ही है। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड, इसका मतलब हो गया जिसे मिला है उससे प्रार्थना की जाती है। फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न, ये लौटा दे टू मी, पर्सनल नेचर का, इसलिए मैं सीधा मी ही लिखूँगा। अगर मैं अंडरस्टैंड भी लिखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस नोटिस तैयार हो गया, आप देख सकते हैं सारी सूचनाएं आ गई, क्योंकि नोटिस का मेन यही है कि ब्रीफ में होना चाहिए, लेकिन वो सारे वाइटल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब क्या बचा है, नीचे नाम लिखना है, क्योंकि यहाँ कोई पोस्ट का तो सवाल है नहीं, तो आपका कोई भी नाम हो वो नाम यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे। क्लास जरूर मेंशन करेंगे यहाँ पर, मान लो क्लास 12th का स्टूडेंट है तो ये हो गया, और सेक्शन कौन सा है, ए बी वॉट एवर, ये हो गया। और जैसा पिछली बार बताया गया था, आपको जब भी नोटिस बनाओगे उसके बाद में वो नोटिस पूरा का पूरा एक बॉक्स में जाना चाहिए, ये एक पैटर्न है, क्योंकि आपने अखबारों में भी देखा होगा जो क्लासिफाइड वाला जो कॉलम आता है अखबार में, उसके अंदर कोई भी सूचना आती है वो एक बॉक्स के अंदर होती है,
तो एक तरह से स्टैंडर्ड पैटर्न है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि कोई भी सूचना है वो एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं जिससे वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने ये समझ लिया होगा। एक बार मैं फाइनली वाइंड अप करने से पहले आपको एक बार और बता देता हूँ कि जैसा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं वैसे लिखा गया है। आप चाहो तो उसको हाईलाइट कर सकते हो उसी इंक से जिस इंक से आप बना रहे हो। यहाँ मैंने रेड से सिर्फ इसलिए किया है आपको दिखाने के लिए, आप अंडरलाइन कर सकते हो। नोटिस के नीचे भी आप हाईलाइट कर सकते हो उसी पेन से जिससे आप नोटिस बना रहे हो, और यहाँ पे भी कर सकते हो, और अगर नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, इम्पोर्टेंट एरिया ये है। आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और अगली क्लास के अंदर फिर से एक और नोटिस आपको बताया जाएगा इसके अपोजिट में, और उसके बाद फिर हम दूसरे मैटर पे आएंगे जो शॉर्ट राइटिंग कॉम्पोजिशन है क्लास 12th के लिए। थैंक यू फॉर द डे, हैव ए नाइस डे।